स्पेस से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए, जिसमें आज हम बताएंगे आपको कैसे आप अपने साइट के अंदर ब्लॉग या वेबसाइट है उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। बहुत से ऐसे यूजर हैं जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं अपनी साइट में, लेकिन उनको पता नहीं कैसे बनाते हैं, कैसे कैटेगरी या पेज की सब कैटेगरी बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बनाने के लिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हो जाएं। वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा बनाने का, आपको जाना है पोस्ट पर कर्सर ले जाना है एंड यहाँ पर मिलेगी कैटेगरी ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने पहले से कैटेगरी बनाए रखी है, मोबाइल मनी यूट्यूब है ना। अब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बनाना है तो आपको काफ़ी कैटेगरी चाहिए होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और कैटेगरी बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ टैग एंड यहाँ पर टैग का स्लग ले लेते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देते हैं। देखिए टैग की आ गई एंड यहाँ पर हम बना देते हैं वर्डप्रेस की कैटेगरी एंड वर्डप्रेस का स्लग ले लेते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए वर्डप्रेस की बन गई, तो मैं यहाँ पर काफ़ी कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इतनी कैटेगरी बना ली। अब दोस्तों कैटेगरी के बनाने के बाद आपको पेज पे आ जाना है, आपको कोई पेज बनाना है तो वो भी आप बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बना देता हूँ अबाउट बना लिया एंड यहाँ पर टीएनसी बना लिया है एंड यहाँ पर एक और पेज बना लेता हूँ। पेज है यहाँ पर सबसे पहले हम पेज को लेंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बना देता हूँ प्राइवेसी एंड प्राइवेसी के डिटेल डालने तो आप डाल दीजिए एंड यहाँ पर फोकस कीवर्ड मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और पेज बना लिया प्राइवेसी का, चलिए रिफ्रेश करके दिखा देते आपको, ये देखिए प्राइवेसी का ये पेज बन गया, ठीक है। तो जो जो आपको पेज बनाना है वो आप बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर तीन पेज बना लिया, कुछ कैटेगरी बना ली। अब यहाँ पर दोस्तों मेन्यू बार बनाने के लिए आपको करना क्या है, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा मेन्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी देखिए कोई मेन्यू नहीं है तो मेन्यू नेम डाल दीजिए, मैं मेन्यू वन लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर कुछ और डालना है आप डाल दीजिए, ठीक है। एंड अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी यहाँ पर कोई मेन्यू बार नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्विच पर क्लिक करेंगे और व्यू ऑल पर जाएंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देंगे तो एक बार में सारी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। एंड आपको पेजेस भी अपने मेन्यू बार में चाहिए ड्रॉप डाउन में तो पेज के मेन्यू पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके मेन्यू बार में पेज भी जुड़ जाएंगे कैटेगरी के साथ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सेव मेन्यू करते हैं एंड यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेन्यू बार आने लगे। अब हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, जैसे इस पर कर्सर ले जाए इसके नीचे मेन्यू बार आए, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको कैसा चाहिए तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले ऊपर जो भी आपको लेना है पहला वो ले ले। चलिए मैं इंटरनेट ले लेता हूँ, इंटरनेट में मैं रखता हूँ यहाँ पर गूगल, ठीक है। आपको करना क्या, सिंपल सा माउस का लेफ्ट बटन दबाकर थोड़ा सा इसको खिसका देना है एंड यहाँ पर आप फिर क्या लेना चाहते हैं वो लीजिए। तो इंटरनेट में मैंने मनी भी ले लेता हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है ठीक। एंड यहाँ पर इंटरनेट में मैं यहाँ पर टैग भी ले लेता हूँ, ठीक। देखिए ये तीन आ गए एंड यहाँ पर सेव मेन्यू करते हैं एंड यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आ गए। जैसे कर से ले जाएंगे देखिए यहाँ पर गूगल मनी एंड टैग आने लगा,
है ना, ड्रॉप डाउन की तरह। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर और ड्रॉप डाउन चाहिए आपको इसी इंटरनेट में, तो आप करेंगे क्या, फिर से जाएंगे मेन्यू बार में, यहाँ से आप क्या लेना चाहते हैं, चलिए मैं न्यूज़ लेना चाहता हूँ, इंटरनेट में न्यूज़ भी है, तो मैं यहाँ पर टैग की सब कैटेगरी बना दूँगा, सब सब। ठीक है, न्यूज़ एंड मैं लेना चाहता हूँ फिर यूट्यूब भी आ जाए, ओके। एंड यहाँ पर इतना ही आए, एंड सेम मेन्यू कर देते हैं, सेम मेन्यू के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आने लगा गूगल मनी एंड टैग पे ले जाएंगे तो ये आने के लगा ड्रॉप डाउन की तरह। तो पहले कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर यहाँ पर हमने सब सब कैटेगरी, है ना। अगर दोस्तों फिर भी आपको और सब कैटेगरी चाहिए, यूट्यूब के नीचे एक और कैटेगरी आ जाए जो इस तरह आ रही है सब कैटेगरी की तरह, तो आप यहाँ पर यूट्यूब के यहाँ पर मैं चलिए SEO ले लेता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो यूट्यूब की भी सब कैटेगरी बन गई। ठीक है, देखिए इंटरनेट की ये सब कैटेगरी है, एंड टेक की सब कैटेगरी, और यहाँ पर इनकी सब कैटेगरी CEO है। ठीक है, एंड यहाँ सेव मेन्यू करते हैं, एंड यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये भी आने लगा, एंड टेक यूट्यूब के में ये आने लगा, तीनों बन गए, फर्स्ट सेकेंड, देखिए फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये, और ये आ गई फोर्थ में, है ना। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको पेजेस चाहिए तो पेजेस के लिए भी आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर सबकी मैं कुछ कैटेगरी बना देता हूँ, जैसे मेरी की कंप्यूटर की बना देता हूँ, ये मोबाइल बना देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बना देता हूँ, एंड यहाँ पर इसकी ये बना देता हूँ, और पेज की ये बना देता हूँ, प्राइवेसी में चले जाएंगे तो अबाउट कर देता हूँ, बाकी सब ये आ जाएंगे। एंड यहाँ सेव मेन्यू कर देते हैं, एंड यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं, तो मेन्यू बार ऑटोमेटिकली कम दिखाई देंगे, देखिए इंटरनेट की ये आ गई, देखिए ये बन गई ड्रॉप डाउन, इंटरनेट की अनकैटेगराइज ये देखिए। ठीक है, अब ये अनकैटेगराइज बन गई है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपको मिलेगा अनकैटेगराइज, इस पर जाएंगे और यहाँ पर रिमूव कर देंगे एंड सेव कर देंगे, एंड यहाँ रिफ्रेश कर देंगे, देखिए यहाँ पर ये बन गई, है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। अब दोस्तों आपको सही करना है, आपको यहाँ पर इंटरनेट में इतने सारे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो फिर से आप आएंगे और आप चाहते हैं कि दो ही रहें, तो यहाँ पर दोस्तों गूगल को थोड़ा माउस से लेफ्ट बटन खिसकाएंगे इधर, इसका शायद ये, हाँ अब ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, बस आपको थोड़ा माउस से लेफ्ट बटन दबाकर ट्रैक करना है। ठीक, एंड यहाँ पर सेम मेन्यू कर देना है, एंड यहाँ रेफरेंस करेंगे तो देखिए फिर से ही सही हो जाएगा, ये देखिए, है ना। अगर आप इनका भी सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आपको ये खिसकाने होंगे इसके इस तरह के, एंड यहाँ सेम मेन्यू करेंगे, एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बन चुके, तो इस तरह से आप वर्डप्रेस की साइट के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, एंड उनकी सब कैटेगरी, सब 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 कैटेगरी एंड पेजेस को भी इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स एंड बाय बाय।